महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रविंदर सिंह ने आज शहर के आजाद चौक के पास स्थित गांधी प्याऊ के ऊपर बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रविंदर सिंह ने कहा कि 8 अक्टूबर के बाद नारनौल शहर का भाग्य बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों का अपार प्रेम उन्हें मिल रहा है, यह सुनिश्चित हो गया है कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी जीत उनकी होगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी शहर में विकास कार्यों की झड़ी लगा देंगे। उन्होंने कहा कि 10 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने बाजार में एक शौचालय तक नहीं बनवाया। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों की हालात बहुत ख़राब है, लोग पैदल नहीं चल सकते। सब व्यवस्थाओं को 8 अक्टूबर के बाद ठीक कर दिया जाएगा। खेलता रहे, कल नवरात्रे की स्थापना है, थोड़ी है व्यवस्था मेरी वजह से। अगर किसी भाई को जो समझ में नहीं आया है, अगर हो गई हो तो हाथ जोड़ के मैं आपसे माफी मांगता हूँ। पांच तारीख को आपको नारनौल वासियों एक अहम फैसला करना है। पिछले 20 साल से जिनको हम झेल रहे सजा, उनकी जमान जब्त करके आपको एक अच्छा फैसला करना है। मैं सरेआम आजाद चौक के पास आपको बता देता हूँ कि मेरी नियत साफ है। मेरी नियत इस नारनौल की तकदीर और तस्वीर बदलने की है। आपका अच्छा फैसला होगा, ये नारनौल दोबारा अमन और शांति का शहर बने बनाने की मैं कोशिश करूंगा। झाड़ू का बटन 4 नंबर पर दबा के आप लोग मेरे को कामयाब करना। आज जो सरेआम आपके पड़ोस में जो गोलियां चलती हैं, सरेआम व्यापारी के जो दिल में दर्द, एक डर भय का वातावरण जो इलाकों ने पैदा कर दिया, 8 तारीख के बाद इस नारनौल के अच्छे दिन लाने का काम करूंगा। भाई मेरे को किसी चीज की नहीं है, भगवान की दया से हर चीज की मौज मेरे पिताजी छोड़ के गए हैं। मेरे को क्या सेवा भगवान ने आपके लिख रखी है, किस रूप में मेरे को, मैं तो जयपुर चला गया था अपना काम धंधा करने, लेकिन लगता है कि भगवान भी मेरी कोई ना कोई नारनौल के लोगों आपकी ड्यूटी देने के लिए मेरी को बाप के बीच में लाया है। तो मैं तो आपसे यही कहता हूँ, बड़ी ईमानदारी से, बड़े नेक इरादे से मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भाई पांच साल के लिए आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा। आपका अच्छा फैसला व्यापारी वर्ग के लोगों को ड्रग्स खत्म करने का करेगा। मैं वही है, मैंने हर मीटिंग में कही, मैं जहां भी गया हूं नारनौल इलाके के वासियों, अकेला गया हूं, सिर्फ इसलिए कि मेरे को आपकी चिंताओं की लकीर देखनी थी, मोहल्ले की क्या हालात है, क्या हालात ही नारनौल में लोगों ने अपने बढ़ा दिए। अब तो बहुत जल्दी आप लोग अच्छा फैसला कर देना, इस नारनौल को सुंदर नारनौल बनाने की जो मैंने कसम खा रखी है वो मैं पूरी करके दिखाऊंगा। मैं व्यस्त बाजार है, वैसे तो मैं लगभग जगह पहुंचने का मैंने काम किया है, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए हो सकता है कई जगह मैं नहीं जा पाया। आप लोग अपनी जिम्मेवारी समझ के, अपने आप को मटरू मान के, इस 5 तारीख को एक बड़ा फैसला करना है, झाड़ू पे बटन दबा देना। आज मेरे साथ शहर के तमाम जो चेहरे मेरे को दिख रहे हैं, ये लोग, ये पैसे लोग हैं जो आज तक किसी राजनीतिक मंच में, या मेरे जहां तक ख्याल किसी राजनीति मीटिंग में भी नहीं आए। इन सब लोगों के दर्द है इस नारनौल को लेके, कि नारनौल किस दिशा में जा रहा है। बड़े शर्म की बात है, आज महावीर चौक से आजाद चौक तक ये लोग एक सुलभ शौचालय भी नहीं बना पाए, अच्छा पीने का पानी आप लोगों को नहीं दे पाए, और तो और आपके दिल में जो डर बढ़ गया, ये सब इन लोगों की देन है। जल्दी से जल्दी आप लोग 8 तारीख के बाद ये देखने को मिलेगा, इंदर सिंह सैनी जैसे सिटी इंचार्ज लेके आऊंगा। भाई आज सरेआम कह रहा हूँ, गलदरिया एक थानेदार था, जैसे चो
जिसको देख के अगर कोई जेब कटरा राजस्थान से दिल्ली जेब काटने जाता था तो बस ड्राइवर से जरूर पूछता कि ये बस कहाँ होके जाएगी। अगर उसने कह दिया नारनौल होके जाएगी तो वो जेब कटरा हिम्मत नहीं थी नारनौल में आके एंट्री कर जाए। ऐसे ऐसे तो आपको देखने को मिलेंगे। आज पूरा शहर हर आदमी परेशान है, को प्रॉपर्टी आईडी को लेके, को फैमिली आईडी को लेके, को राशन कार्ड की आईडी को लेके। सरकारी नौकरी तो ये नहीं दे पाए, लेकिन सरकारी दफ्तरों में चक्कर कटाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने अपने बीच में किया है। अगर किसी भाई का किसी बात की ये परेशानी है, हर वार्ड में कैंप लगा के अधिकारी आपके बीच में बिठाने का मैं काम करूंगा। यही आपको बार बार कह रहा हूँ, किसी भकावे में मत आ जाना। और ये दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं इसका तो कोई नंबर ही नहीं है, मेरे को तो जो आपका प्यार लग रहा था ऐसा लगता है कि पूरे हरियाणा में अगर सबसे बड़ी जीत होगी तो आपकी होगी भाई। ये भी मान लेना, किसी पार्टी के हरियाणा में सरकार नहीं बन रही, आपका दिया वोट सीधा सरकार में जाएगा, ये आपको बता देना भाई। बता देता हूँ, दिल्ली और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर आपने मेरे को विधायक बनाया तो 3 प्रदेश में आपकी चौधर करा के दिखा दूंगा, किसी काम के लिए मेरे पास आ जाना। 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे हर व्यापारी के लिए खुले हैं। मैं जात की और धर्म की राजनीति नहीं करता, मैं अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूँ जो काम की राजनीति करते हैं। हम राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए, मैं तो राजनीति में आपकी सेवा करने आया हूँ, ये वादा आपके बीच में करके।